नमस्ते, मैं पल्लवी दिवेकर आप सभी का स्वागत करती हूँ गार्डन गप्पा के अपने इस नए एपिसोड में। आपने ये घर देखा ना, कितना खूबसूरत सा लग रहा है। बड़े बड़े यहाँ पे मनी प्लांट के लीव्स देखे। ये मेरा हाथ है और ये लीव मेरे हाथ से भी बड़े इनके यहाँ पे मनी प्लांट के लीव्स है। तो देखते ही है कि ये किसका इतना खूबसूरत सा गार्डन है। मई के शुरुआत में हम लोग हैं और अकोला का धूप काला आपको पता है। अच्छे से अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा पानी पिया कीजिए। और पानी से मुझे याद ये आ रहा है कि जो ये बेजुबान से मवेशी रहते हैं, जानवर रहते हैं, पंछी रहते हैं, इनके लिए भी थोड़ा सा पानी अपने गार्डन में प्लीज़ रखा कीजिए। क्योंकि हम लोगों के पास तो अलग अलग सोर्सेस है पानी के, ये कहाँ पे जाएंगे? क्योंकि ये शहरों में रहते हैं तो यहाँ पे पानी के सोर्सेस बहुत कम है और धूप काले में उनको भी उतना ही पानी लगता है। तो छोटी कटोरी में भर के अपने गार्डन में रखा कीजिए ताकि पंछियाँ पी सके। और घर के बाहर जो ये स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे काउज वगैरह घूमते रहते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा पानी रखिए। ये छोटे छोटे जो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जिनको बोलते हैं, ये बाद में आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे और उनके लिए जान बचाने का काम करेंगे। इसी सोच के साथ गार्डन गप्पा का ये एपिसोड शुरुआत करते, चलिए मिलाती हूँ कहाँ पे आए। चलिए जी, देखते हैं मैं किसके साथ आज का ये एपिसोड को कंडक्ट करने वाली हूँ। मिलते हैं डॉक्टर बेला राठी जी से। हेलो। ये फिजियोथेरेपिस्ट है और अपने बहुत ही व्यस्त स्केड्यूल में से अपने लिए टाइम निकाल के आई है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस एपिसोड में। बहुत दिनों के बाद बेला, कैसे लग रहा गार्डन गप्पा में आके? थैंक यू पल्लवी। फिर से एक बार मैं आप सबके साथ हाजिर हूँ ये एपिसोड करने के लिए। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि आज का हम ये जो गार्डन देखने वाले हैं उसमें क्या नया हमको मिलने वाला है। हाँ, तो चलिए जी, देखते हैं आज हम किसके गार्डन में आए और इतना सुंदर और खूबसूरत सा गार्डन किसका है। मिलते हैं तस्नीम जी वाघ इनसे और ये है जैनब वाघ। तो आंटी जी, आपका ये गार्डन है और हमें आपने बताया कि 30 इयर्स से आप देख रहे हैं और हर दिन 2 घंटे यहाँ पे आप मिनिमम तो देते ही है। देते तो बाकी इसके अलावा आप क्या करते हैं? मैं IWC की सेक्रेटरी हूँ। ओके, आई एम अ IWC सोशल की। वर्कर। ओके, यस, तो ये सोशल क्लीनर। वर्कर है। और जैनब, आप क्या करते हैं? आई एम अ होम मेकर, बट मैं ओके, कैंडल्स डिजाइन करती हूँ। सो शी इज कैंडल डिजाइनर। कुछ अलग सा फील्ड आज हमें देखने को मिला है, तो चलिए इसके बारे में बाद में चॉकलेट्स, भी जान लेंगे। रेजिन्स सब करती है वो। ओके, तो चलिए इनसे बातें करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने गार्डन किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है। इतने सारे खूबसूरत जो पेड़ है, इनके लिए आप कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं? ये गाल की मिट्टी जो आती है ना, अच्छा, वो ही बुलाई थी। हाँ, और उसमें फिर खत डालते रहते हैं ना, अच्छा ऑन ऑफ एंड ऑन। एंड अच्छा, आई कम डू कंपोस्टिंग आल्सो। ओके ओके, तो आप कंपोस्ट, थोड़ा खत और ये गाय की मिट्टी का आप वापर कर रहे हैं। तो आंटी जी, हम ये जो मेहनत देख रहे हैं ये कितने सालों की है? 30 इयर्स। 30 इयर्स, और तब से लेकर अब तक आपने ये ऐसा ही गार्डन बरकरार रखा है? जी, आई लव टू डू द गार्डनिंग। ओके, तो इसी का शायद इफेक्ट होगा कि आप पर इतना जो ग्लो है ये गार्डनिंग की वजह से है, ऐसा मुझे लगता है। चाय 2 आवर्स तो कम से कम जब फ्री रहती हूँ तो गार्डन में ही रहती हूँ। तो 2 आवर्स डेली की ये जो मेहनत है फॉर 30 इयर्स, तो इतना अच्छा गार्डन मेंटेन होता है। और आपके गार्डन में मेनली किस टाइप के प्लांट्स हैं, क्या बताएंगे? सक्यूलेंट्स। सक्यूलेंट्स और विद्या, ये स्पाइडर। ओके, तो जो यानी जिसको ज्यादा सनलाइट लगता है वो टाइप के लॉन में लगाए हैं। हाँ, और ये सक्यूलेंट्स वगैरह मैनेज होते हैं आपको? हाँ, वो एक्चुअली दिस गर्मियों में पीछे शेड में कर देती हूँ। ओके, पूरे पॉट्स पीछे चले जाते हैं। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ये बोलते हैं कि सक्यूलेंट्स इनको बहुत हार्ड जाते हैं। हाँ, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सक्यूलेंस ही ज्यादा है। हाँ, तो ये तो मैजिक जैसा जैसा हो गया। तो आप बोलते हैं कि पीछे नाउ दे हैव बिकम माय फ्रेंड्स। ओके, ओके, आपका गार्डन तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि सबसे इजी प्लांट कौन सा है लगाने के लिए? द स्पाइडर प्लांट। ओके, फॉर द वेदर ऑफ अकोला दिस इज द इजीएस्ट। ओके ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक कि सबसे टफ कौन सा प्लांट है? अपने यहाँ के वेदर के हिसाब से रोज। ओके, रोज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, उसमें कांटे भी होते हैं इसलिए शायद मुश्किल जाती है लगाने में। ओके, लग भी जाए हो भी जाए तो गर्मी आई के यू थिंक के हार्डली सर्वाइव। ओके, तो जैनब, अपने यहाँ का जो ऋतु है बहुत हार्श है,
पूरे की कोई भी क्लाइमेट ले लो, समर्स विंटर्स सभी, तो तब ये गार्डन की देखभाल आप कैसे करते हैं? ग्रीन नेट की तो जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मम्मी मेंटेन ही वैसे करते हैं, बस ये टाइम टू टाइम पानी देना, ऊपरी करना, कटिंग करना, वो सब मेंटेन करना पड़ता है। ओके, तो हमें ये पहला घर मिला है कि जहाँ पे ग्रीन नेट नहीं लगता है। नहीं तो आज तक हमने जितने भी गार्डन गप्पा के इंटरव्यूज किए हैं सबके यहाँ पे ग्रीन नेट लगता ही है, कोई कोई तो डबल लेयर पे लगाते हैं, पर ये देखिए ये फर्स्ट घर है जहाँ नो ग्रीन नेट, फिर भी इतना ही खूबसूरत सा इनका गार्डन है। तो बस सिर्फ चाह चाहिए, बाकी राह अपने आप मिल जाती है। देखिए पेड़ों की अपनी एक जरूरत होती है, तो आपको क्या लगता है कि हफ्ते में कितने दिन में आपने पानी देना चाहिए पेड़ों को? थ्री, इफ इट इज द समर्स यू हैव टू गिव अल्टरनेट डेज। ओके, बाकी तुम तीन चार दिन में एक बार दो तो इट्स ओके। अच्छा, और आपके यहाँ सनलाइट का कैसे आपने एडजस्टमेंट किया है? कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट आपने सनलाइट या सूर्यप्रकाश को लेकर किया है? नो, इट इज ओपन फ्रॉम ऑल साइड्स, तो मुझे इतनी कुछ जरूरत पड़ती नहीं है। अच्छा, बस पीछे जो झाड़ है जो बड़े है उनको अगर सनलाइट, तो कटिंग वेयर एंड टेयर करना पड़ता है। अच्छा, तो आंटी जी आपके इस खूबसूरत से गार्डन में किसी चीज के लिए या किसी पेड़ के लिए मनाही है, ऐसा कुछ है क्या? ये चलता नहीं मुझे, नहीं वास्तु के हिसाब से पीपल से एक एक कैक्टस नहीं लगाना चाहिए। इवन आई ट्राई माय बेस्ट कैन नॉट टू पुट दोस प्लांट्स इन। ओके, तो अपने यहाँ पे कैक्टस नहीं चलते हैं, बाकी सभी चलते हैं? सब चलते हैं। तो सकुलेंट्स तो हमने देखे ही है, बस कैक्टस नहीं चलता। आप पेड़ों के लिए कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते हैं? बायोफिट वाला। बायोफिट वाला, अच्छा फर्टिलाइजर की बात तो हो गई, और व्हाट अबाउट पेस्टिसाइड्स? आप कौन से पेस्टिसाइड्स पसंद करते हैं? दिस मैक्सिमा एंड इंफोसिस, ये दो जो है मिला के डालती हूँ उसमें। ओके, स्प्रे करता है वो, एटलीस्ट 5 लीटर पानी में एक स्कूप चाहिए। तो मुझे ये पूछना था अगला सवाल कि आपके गार्डन की क्या स्पेशल फीचर लगता है आपको? जैसे ये सिर्फ मेरे गार्डन का है, ये जो पॉट्स रखी हो ना मैंने, ओके, ये जो ये अरेंजमेंट्स जो है, ओके, इट्स वेरी स्पेशल, तो ये इनके गार्डन का स्पेशल फीचर है। और हमारे दर्शकों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, जैसे अगर उन्होंने शुरुआत करनी है, इतना खूबसूरत गार्डन चाहिए हमें, तो कैसे करना? लव योर प्लांट्स मेन, व्हेन यू विल स्टार्ट लविंग योर प्लांट्स ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल हैपन। तो चलो प्लांट से भी प्यार किया करो, कुछ तो सीखो, यू कैन टॉक टू योर प्लांट्स, बातें करो, प्यार करो, अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो इतना सुंदर गार्डन देखने के बाद अब बारी है एक जस्ट अ जेस्चर कि आपको मैं थैंक्स कहूं कि आपने इतना सुंदर गार्डन मेंटेन किया, और आपके बिजी स्केड्यूल में से जो आपने हमको समय दिया इस एपिसोड के लिए, उसके लिए वी आर रियली थैंकफुल। और जैनब, मैं तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि तुमने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। थैंक यू।